हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको गाइड करूंगा कि जियोलो में कैसे ज्वाइन करें। तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए आए हो भाई, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो सिंपली आप जब गूगल पर सर्च करेंगे कि हाउ टू ज्वाइन जियोलो, तो आपके सामने कुछ लिस्ट आ जाएगी नंबरों की, जिनके आप आपको बोलेगा कि कॉल अस, और नंबर लिखाएगा कि इस नंबर पे कॉल करो। तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही उस पे कॉल करोगे, आपके पास एक वॉइस मैसेज आएगा, एक मैसेज आएगा लिखा हुआ कि इतने रुपए पे करो। उसके बाद आपकी आईडी जनरेट होगी, उसके बाद 20 से 25 मिनट में आपको बुकिंग मिल जाएगी। और महीने में ऐसे बताएंगे, कोई 10 बताएगा, कोई 20 बताएगा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो आप खुश हो जाएंगे भाई, क्यों ना हज़ार रुपये देंगे, हम भी लाखों रुपये कमाएं। तो मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ कि ये पूरी तरह फेक है। जो भी आप गूगल पे से नंबर लेंगे, सारे नंबर टोटली फेक है। अब ये कैसे फेक है मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त ने ऐसे ही पैसों के लालच में ऐसे ही 1500 रुपये पे कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, कॉल भी उठानी बंद कर दी। कॉल तो वो करते ही नहीं है, आपको जो नंबर मिलेगा उस पर आप जैसे ही कॉल करेंगे तो कॉल कोई नहीं उठाएगा, कॉल तो उठेगी नहीं, या तो वो आउट ऑफ कवरेज होगा या उसकी इनकमिंग बंद होगी। जो भी बात होगी आपकी व्हाट्सएप के थ्रू ही होगी, और वो भी मैसेज में, वो इस कॉल भी नहीं हो सकती, बस मैसेज में ही आपकी बात होंगी जो भी होंगी। तो ये टोटली पूरी तरह फेक है। मेरा कोई भी भाई इस चक्कर में ना पड़े कि हम गूगल से नंबर लेके ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। भाई जियोलो ऐसे ज्वाइन नहीं होता, उसके बहुत सारे लंबे प्रोसेस है और बहुत सारे फेक प्रोसेस भी है। तो जो जेन्युइन प्रोसेस है उनकी एक जेन्युइन साइट होती है। अब उस साइट का कैसे पता करें, उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वो जो साइट होती है वो ऐसे नहीं होती, वो बंदे टू बंदे थ्रू होती है। एक बंदा मेरे को लास्ट टाइम मिला था जो जियोलो में काम कर रहा था, उसका क्या था, ये सरकार ने मान्यता नहीं दी इस चीज़ की। ये एक प्राइवेटली चलाई हुई संस्था है, प्राइवेटली चलाई हुई एक वेबसाइट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हो, ये एक वो है एक तरह से। तो उस बंदे ने अपना मेरे को आई कार्ड दिखाया था, मैंने उस आई कार्ड का फोटो लेने के लिए बोला था, बट उसने मना कर दिया क्योंकि प्राइवेसी होती है। तो उसने मेरे को आई कार्ड दिखाया, मैंने जब उसका आई कार्ड देखा उसमें सारी डिटेल पैन से भरी हुई थी। भाई आप यकीन नहीं करोगे, जितनी भी डिटेल्स थी वो पैन से भरी हुई थी, उसके फोटो पे मोहर लगी हुई थी, उसकी जो कंपनी थी जियोलो की उसकी मोहर लगी हुई थी, और सारी डिटेल पैन से भरी हुई थी। अब मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों है, तो उसने क्लियरली बोला कि ये बड़ा प्राइवेसी काम होता है और ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड कहीं भी नहीं होता, ये एक फेक चलाई हुई संस्था है और बस चल रही है, इतने चल रही है, जिस दिन पकड़ में आ गए तो सब पकड़े जाएंगे। तो क्लियरली एक ये बात है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके चक्कर में ना पड़े। अगर फिर भी कोई इच्छुक है तो भाई अपने आसपास सर्च करो, या फेसबुक पे या किसी के थ्रू बात करो, डायरेक्ट उससे ही बात करो जो कर रहा है इसमें, वही आपको अच्छा बेस्ट वो बताएगा और वही ज्वाइन करेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जियोलो की पहचान कैसे करेंगे। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जो बताते हैं कि गले में पट्टा होता है, जो बताते हैं कि हाथ में पट्टा होता है। तो मैं अब आपको बता दूं, मैं जो उस बंदे से मिला था उसके कहीं भी कुछ भी नहीं था, जो उसका रियल नाम है ना उससे कहीं फेसबुक की आईडी थी, ना उससे कहीं इंस्टाग्राम की आईडी थी, कहीं भी कुछ भी नहीं था, जो भी था सब कुछ फेक था। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, उसने सब चीज़ अपनी आईडी छुपा लेते हैं, कल को कोई दिक्कत हो जाए तो वो फंसे ना। तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूं, अगर आपको ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो भाई ऐसे ही करें, अपने आसपास पता कर लें और उसी बंदे से डायरेक्ट कंपनी में बात करा लें। अगर ऐसे ऑनलाइन के थ्रू में चक्कर में पड़ोगे ना, तो भाई पता नहीं कितने पैसे आप अपने ऐसे बर्बाद कर दोगे। और हाँ, ऐसे करते हैं मेरे जितने भी छोटे भाई बंधु हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर हाँ ऐसे पैसे बर्बाद होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है, वो पे कर देते हैं और पे करने के बाद अगर वो किसी को बताएंगे तो शर्म की बात है कि भाई इस काम में दिए थे और वो पैसे लेके भाग गया, तो ये भी दिक्कत है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि आपको अगर ऐसे ज्वाइन करना है तो अपने किसी से बात करो जो आसपास है, 100% आपके आसपास आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई भाई ऐसा होगा, मेरे में है और मेरे में एक, मेरे को टकराया भी उसी के थ्रू, मैंने उससे सारी जानकारी ली और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप भी कुछ इस चीज़ को समझें, मैं आपको भी गाइड कर सकूँ। तो आई होप आपकी कुछ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी।